हैं और इसको सर्व करते हैं। सबसे पहले हम ये प्लेट लेते हैं, प्लेट में हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही लज्जतदार और फायदेमंद सब्जी है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का मन करेगा। ये देखिए, अब इस सब्जी के साथ में आप दाल चावल या रोटी पराठा किसी के भी साथ खाइए, और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती इसके ऊपर सर्व कर दीजिए। बहुत ही खुशबूदार सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप लोग भी इसी तरह कच्चे पपीते की सब्जी बनाइए और अपने परिवार के साथ मिल बैठकर खाइए। इलाहाबादी नमस्कार। बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज हम कच्चे पपीते से लज्जतदार और बहुत ही फायदेमंद सब्जी होती है। ये देखिए, मैंने कच्चा पपीता एक लिया है। इसको मैं धुल के साफ करके साइड से पहले सामने का और फिर पीछे का काट कर ये जैसे मैंने रख लिया है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल कर सूख जाए पानी इसका। तो इसमें क्या क्या पड़ेगा इसका भी मैं प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने दो प्याज रखे हैं छिलकर, बारीक काटना है। मैंने कुछ अदरक है 1 इंच, ये क्रश कर लिया है। लहसुन की कलियां हैं 4 से 5, इसको मैं क्रश कर लूँगी। और दो टमाटर हैं, 4 हरी मिर्च है। ये इतना हमारा प्रोसेस है कि हम हरे पपीते की सब्जी जब बनाते हैं तो बहुत ही डिलीशियस बनता है। बाकी के मसाले क्या पड़ेंगे वो आगे हम आपको चलिए बताते हैं। ये देखिए, इसको काटना भी कैसे है मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। आपको जैसा भी पसंद हो उसी तरीके से आप काट सकते हैं। इसका जो मैंने बीज का बीज निकाल कर रखा था, ये उसको हटा दीजिए, जैसे हम लोग कद्दू में काट कर रखते हैं। तो इसको हटाने से हमारा सब्जी बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कटेगा। और देखिए, इसी तरह हम इसको थोड़ा सा मोटा काट लीजिए अगर सेलो फ्राई करना है, और नहीं तो बारीक काट सकते हैं। दोनों तरीके से सब्जी बनाई जाती है। इसी तरह हम पूरे कद्दू को, अपने कच्चे पपीते को हम काट कर रखते हैं। फिर आगे हम बताते हैं कि कैसे हमारी ये सब्जी ये बनेगी। बहुत लोग इस तरह से बारीक भी काटते हैं, जैसे मैंने काट कर ये देखे रखा है। इसको भी इसी तरह ही काटते हैं। आपको इच्छा है आप मोटा भी काट सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया है। सब्जी बहुत ही जल्दी है, जैसे सेलो फ्राई करेंगे वैसे ही ये मुलायम सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। चलिए आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए, इसको 5 मिनट हो गया, सेलो फ्राई किया है मैंने। और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है।
ये आधा से लगभग पक गया है, आधा मान के चलिए। अब मैं इसको गैस को ऑफ करके पहले निकाल लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे अपना आगे का, देखिए सरसों का तेल, इसी में कढ़ाई में हम 4 चम्मच डालेंगे, क्योंकि ये छोटा चम्मच है, इससे मैं 4 चम्मच तेल डालूंगी। अब इसमें हमें क्या क्या डालना है इसका प्रोसेस आप देख लीजिए। गैस को मैंने ऑन कर दिया, देखिए गैस को मैंने ऑन कर दिया है, फुल फ्लेम रखिए। और अब हम सबसे पहले हम डालेंगे अपनी हरी मिर्च जो काट कर रखा है, 3-4, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं अगर तीखा नहीं पसंद है। उसके बाद ये थोड़ा सा और स्वादानुसार इसको जीरा को भी डाल दीजिए, देखिए स्वादानुसार ही डालेंगे, इसी में गर्म हो जाएगा, चुट चुट करने लगे, देखिए जैसे हुआ आराम से बनाइए। इसके बाद देखिए लहसुन मैंने कट किया है बारीक सा, आप इसको क्रश भी कर सकती हैं, इसी में हम इसको डालेंगे। और इसके बाद अदरक को मैंने जितना क्रश किया है वो आपको मैंने दिखा दिया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये जब हल्का सा ब्राउन हो जाए इसी में हमको प्याज डालना है। ये सब्जी बहुत ही फायदे की है, कच्चे पपीते की सब्जी तो आप केवल मीठी मिर्चा से ही बनाएंगे तब भी बहुत ही टेस्टी लगता है, लौकी लोग भूल जाते हैं लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनता है और पेट के फायदे के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप जब भी बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने का मन करेगा। अब 1 मिनट इसको हल्का सा ब्राउन होने दीजिए तो आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हाँ देखिए, ये मेरा हल्का सा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, ये देखिए दो काट के मैंने रखे थे बारीक बारीक, आपको अगर नहीं डालना है, नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। प्याज भी नहीं पसंद है तो प्याज को, लेकिन अदरक लहसुन जरूर से डालिएगा। ये देखिए, अब इसको हम सबसे पहले 1 मिनट ढकेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ देखिए, ये मैंने 1 मिनट के लिए ढक कर रखा था और ये सॉफ्ट होने लगा। अब इसमें हमको क्या क्या मसाला पड़ेगा ये देखिए, स्वादानुसार हल्दी पाउडर, स्वादानुसार थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जो कि कश्मीरी है, तीखी नहीं होती है, ये देखिए बिल्कुल तीखी नहीं होगी, इससे कलर आता है इसलिए मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए स्वादानुसार मैंने गरम मसाला डाला है, राजेश का ही है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, मसाले के चक्कर में हम कम पड़ते हैं। अब देखिए इसमें हम डालेंगे, सुन कर दिया है, थोड़ा सा हल्का सा नमक क्योंकि मैंने कद्दू में डाला था पहले से भी, ये जल्दी से गला देगा, ये देखिए। हाँ देखिए, ये हमारा 15 मिनट में कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल भी इसमें ग्रेवीदार भी नहीं है और बहुत सूखी भी नहीं है और एकदम लज्जतदार हमारी हरा, बिल्कुल हरा पपीते की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ करते हैं और इसको सर्व करते हैं। सबसे पहले हम ये प्लेट लेते हैं, प्लेट में हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही लज्जतदार और फ़ायदेमंद सब्जी है, इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का मन करेगा। ये देखिए, अब इस सब्जी के साथ में आप दाल चावल या रोटी पराठा किसी के भी साथ खाइए और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती इसके ऊपर
सर्व कर दीजिए। बहुत ही खुशबूदार सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप लोग भी इसी तरह कच्चे पपीते की सब्जी बनाइए और अपने परिवार के साथ मिल बैठ कर खाइए। इलाहाबादी बिजी इलाहाबादी पर आप कमेंट कीजिए कि आपको सब्जी कैसी लगी। थैंक यू। और सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए। आने वाला वीडियो आपके पास इसी तरह पहुंचता रहेगा। थैंक यू।